This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। पांचवें चरण में 49 सीट पर मतदान जारी है। इस चरण में अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, हाजीपुर जैसी हॉट सीट भी शामिल है। महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक सभी 13 सीटों पर 6.33% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल दिया है। राज्य के 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मुंबई में एक मतदान केंद्र पर बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने वोट डाला है। वहीं दिग्गज अभिनेत्री शोभा खोटे ने भी मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। अपना वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा कि इस चुनाव ने मुझे कई लोगों से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने का मौका दिया है। मुंबई में अपना वोट डालने के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, यह हर भारतीय के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल्ली से सवारी लेकर आ रही बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। बस में सवार 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरण अद्भुत रहे हैं। बीजेपी के नजरिए से देखें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आदरणीय साथी मतदाताओं, आज लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कृपया मतदान करें। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। मुंबई में वोट डालने के बाद अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा ने कहा कि अभी किसी और विषय पर चर्चा नहीं होगी, घर से बाहर आए और वोट करें। उत्तर प्रदेश में अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में वोट डाला है। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अभिनेता अक्षय कुमार ने वोट डाला। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत विकसित और मजबूत हो, मैंने इसे ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में एक मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की कतार देखी गई है। जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जेकेपीसी के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन इस निर्वाचन क्षेत्र से प्रमुख उम्मीदवार है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, मैंने मतदान कर दिया है, मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूं कि मतदान जरूर करें। उद्योगपति अनिल अंबानी मुंबई के एक मतदान केंद्र पर कतार में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने मतदान शुरू होने के तुरंत बाद अपना वोट डाला। लोकसभा इलेक्शन 2024 में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के बाद अब महानायक अमिताभ बच्चन ने भी फैंस से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक गाने का एनिमेटेड वर्जन शेयर किया है और पब्लिक से वोट डालने को कहा है। लोकसभा चुनाव के बीच मुंबई पुलिस ने 200 से अधिक निवारक गिरफ्तारियां की हैं। इसके साथ ही 40 को नशीली दवाओं के विरोधी कानून के तहत भी गिरफ्तार किया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और इस दिन के बाद भारतीय शेयर बाजार में इतनी तेजी आएगी कि प्रोग्रामर तक थक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा भरोसा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।